ऐतिहासिक जलजीवी मेले को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे जिले के अधिकारी। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के अंतर्गत ऐतिहासिक जलजीवी मेले की तैयारी को लेकर नवनियुक्त जिलाधिकारी रीना जोशी ने अफसरों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने सभी विभागों व मेला संचालन समिति की को जिम्मेदारियां सौंपी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से तय समय में प्रदर्शनी दुकानें आदि के साथ ही बजट के अनुसार सांस्कृतिक टीमें बुलाने के निर्देश दिए। मेला अधिकारी की जिम्मेदारी दिवेश सासनी संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को सौंपी गई है। मेले को भव्य रूप देने की तैयारियां जोरों पर हैं। यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस व होमगार्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 116 साल से काली व गोरी नदी के संगम में लगने वाले मेले के लिए जिलाधिकारी रीना जोशी ने स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए। भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित जलजीवी मेले का ऐतिहासिक महत्व है। 116 वर्ष पूर्व अस्कोट के पाल राजवंश की यह मेला देन है। तीन देशों भारत नेपाल तिब्बत के व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों के लिए जलजीवी मेले की अपनी अलग पहचान थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद स्थितियां बदली हैं, लेकिन जलजीवी मेले की ऐतिहासिकता सांस्कृतिक पहचान और व्यापारिक महत्व को कमतर करके नहीं देखा जा सकता है। धारचूला से नदीम परवेज की रिपोर्ट। आज मैं यहाँ पे जलजीवी जो मेला 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है उसके लेकर तैयारी के लिए एक बैठक में भाग लिया है। यहाँ पर SDM साहब यहाँ के मेला अधिकारी हैं और यहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ के भी उन्होंने भी भाग लिया था, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि ये मेला जिस तरह से विगत वर्षों में भी भव्य रहा है, इस बार भी उस मेले को भव्य तरीके से ही सेलिब्रेट किया जाएगा। जो विगत वर्षों में जो कुछ कमियां सामने आई हैं, SDM साहब मेलाधिकारी हैं, उसके ऊपर वो ध्यान देंगे और उनका जो कमियां रही हैं पिछली बार उनको भी संज्ञान में उन्होंने लिया है और उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और विगत वर्षों की भांति इस बार भी इस मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा।